क्या हो अगर आप अचानक से किसी दूसरे दुनिया में चले जाओ और वो दुनिया एकदम मायावी, जादुई और बहुत ही खूबसूरत हो। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये ड्रामा योर लव हील्स एपिसोड 1। सो स्टोरी के स्टार्ट में ही हमें हमारी फीमेल लीड दिखाया जाता है जो कि अभी ट्रेन से कहीं बाहर से आई हुई होती है। वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स और बहुत से लोग जो होते हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो मिली हमारी फीमेल लीड यून से जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई करके बाहर से अभी आई है। सो यून अपने दोस्तों से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर हैं। सो वो बताते हैं कि उसे कुछ अचानक से काम आ गया था तो मिड रास्ते में ही वो कहीं और चले गए। इसका मतलब उसके पापा भी हैं, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो कि वो अपने ही अस्पताल में चले गए थे। सो उसकी दोस्त बोलती है तो क्या हम घर चलें। देन अपनी यून बोलती है कि नहीं नहीं घर नहीं जाना है, वहाँ हमारी सौतेली माँ है, उनसे मिलने से अच्छा तो हम अपने नए वाले क्लिनिक में जाएँ। सो यून की फैमिली ने एक नया मतलब हॉस्पिटल या ब्रांच ऐसा बोल सकते हैं उन्होंने खोला हुआ था। सो लोग वहीं जाने का डिसाइड करते हैं और वहां जाके वो लोग ये सब चीज़ें देख ही रहे होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से मतलब सभी चीज़ें रखी होती है, सभी नई नई फ्रेश चीज़ें हो रही थी। सो यून और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तभी बाहर से कोई आता है जो कंधे पर किसी को लिया हुआ होता है और बोलता है डॉक्टर कहाँ पर हैं, ये बहुत ही अर्जेंट है। सो ऐसा देखे लग रहा था कि जैसे कि वो आदमी और बहुत ही बड़ा हुआ आदमी था और ये जो है उसका बेटा है और बोल रहा था कि जल्दी से मेरे डैड को बचाओ वरना मैं तुम्हारा ये नया क्लिनिक है उसकी धज्जा उड़ा दूंगा। तो मतलब वो ऐसा वार्निंग दे रहा था, धमकी दे रहा था क्योंकि वो उसका डैड थे और उसे लग रहा था कि उसके डैड काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उसके डैड सीरियस भी होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड वहाँ पर आ जाती है, बोलती है रुको मुझे देखने दो। सो वो जब देख रही होती है तो वो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर जो लड़का होता है वो हमारी फीमेल लीड यून को जान रहा होता है। तो वो पूछता है तुम यहाँ कब आई, तो ये सब बातें मत करो, इन्हें अंदर लेके चलो। तो वो भी तो एक डॉक्टर होती है। सो वो अंदर ले जाके उन्हें ट्रीटमेंट करती है और बोलती है कि अब ये नॉर्मल है, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो वो जो लड़का होता है राहत की सांस लेता है और बोलता है कि तुम कब वापस आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सो वो अपनी यून बोलती है कि मैं तुम्हें बताना ऐसा ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि तुम्हें बता के मैं कहीं जाऊँ कहीं आऊँ। उसके कुछ थोड़ी देर बाद हमारी फीमेल लीड और उसकी दोस्त हैं डिसाइड करते हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे जो कि मतलब जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल में जाएंगे। तो उसकी ये फ्रेंड होती है कि अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, या यूनिवर्सिटी जा रहे हो क्या, इसका मतलब तुम लोग मिस्ट्री फॉरेस्ट जा रहे हो। नहीं 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 वो बहुत डेंजरस होता है, वहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं और वहाँ तो इतना कोहरा होता है कि तुम खुद की हाथ भी नहीं देख सकते हो, और पता है वो मॉन्स्टर जो है वो तो इंसानों को भी खाते हैं। सो हमारी फीमेल लीड बोलते हैं अरे भाई इसलिए तो हम लोग दिन में जा रहे हैं, दिन में तो मॉन्स्टर होते नहीं है, और ऐसा बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उस लड़की की बात एकदम सही होती है, वो जगह कोहरे से भरी हुई होती है कि सच में आप अपनी उंगलियाँ तक ना देख पाओ। सो इस समय जाते वक्त यून की फ्रेंड पूछती है क्या तुम वो जो हॉस्पिटल में बंदा आया था उससे तुम क्या मतलब इतनी नफरत करती हो क्या। सो वो बोलती है कि नहीं मैं उससे इतनी नफरत नहीं करती हूँ, मैं उसे चिढ़ती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वो हमेशा मेरे पीछे आ जाता है, यहाँ तक कि बचपन से ही वो मुझ पर लाइन मार रहा है, मुझे यहाँ तक कि शादी तक करना चाहता था, इसलिए वो बंदा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। सो वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे तभी हमारे यून को ब्लू लोटस जो होता है वो मिलता है, नीला कमल। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है कि मैं उसे लेने जा रही हूँ। लेकिन वो खाई के जस्ट पास में होती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं 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 तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो बहुत रिस्की है। सो बोलती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूँगी, तुम मुझे मतलब सपोर्ट देना, मैं उसे झट से लेकर चली आऊँगी। तो वो लोग यही करते हैं भाई, वो यून जो है वो जाती है कोशिश करती है कि मैं उसे पकड़ लूँ। तो वो जैसे जैसे उसके पास जा रही होती है और भाई साहब उसकी फ्रेंड का हाथ धीरे धीरे स्लिप हो रहा होता है, तो वो बोलती है संभाल कर प्लीज़ थोड़ा संभाल कर। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर उसे ग्रेप करने की कोशिश करती है उसके फ्रेंड का हाथ जो होता है वो छूट जाता है और अपनी यून जो होती है वो सीधे खाई के नीचे चली जाती है। सो अब उसके फ्रेंड के पास कुछ भी रह नहीं जाता है सिवाय चिल्लाने के, वो यून चिल्लाती रहती है। लेकिन अब तो वो खाई में गिर चुकी थी और यून यहाँ पर धीरे धीरे खाई में गिरती ही जा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब से जानवर या फूल या क्या कह लूँ सभी के सभी चीज़ें उड़ रहे थे और बहुत ही अजीब लग रहा था। तो पता नहीं किस तरह का जंगल था, लेकिन हमारी यून वहीं पर बेहोश होकर पड़ी हुई होती है। सो जब यून को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो खुद को मतलब देखती है तो उसे लगता है कि क्या मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ, क्योंकि इस तरह की जगह थी जैसे लग रहा था कि यह स्वर्ग है, क्योंकि भाई उतनी ऊपर से गिरने के बाद कोई कैसे बच सकता है। तो वो खुद पे ये मतलब डाउट करने लगती है क्या मैं अभी जिंदा हूँ।
सो उसके बाद जब वो उठती है तो देखती है कि उसके कमर में दर्द हो रहा है। भाई अब उतनी ऊंचाई से गिरोगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो उसके बाद वो थोड़ा चलो कोई बात नहीं, जिंदा तो हूँ मैं। लेकिन वो अचानक से देखती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है उसके सामने पड़ा हुआ है, मतलब लगा हुआ है। तो जैसे वो उसे पकड़ना चाहती है तो वो फ्लावर ही उड़ जाता है। क्या, एक उड़ने वाला फ्लावर जिसके पैर भी हैं? सो ये सब चीज़ें देखकर वो स्माइल करने लगती है कि मतलब वो भाई कौन सी जगह पे ऐसी आ गई है कि जहाँ पर उड़ने वाले फ्लावर्स हैं। सो अब चलते हैं हमारे हीरो की तरफ, जो हमारे हीरो को उसका दोस्त जो होता है वो ढूंढते हुए आता है। और जैसे उसके कमरे में पहुँचता है सो बोलता है, जिंग कहाँ हो तुम? लेकिन वो देखता है कि उसके चारों ओर कुछ क्या है, या टॉयज हैं या पक्षी हैं कि खिलौने हैं, टॉयज तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो सब उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो बोलता है, जिंग ये सब बंद करो, क्या कर रहे हो तुम, बाहर आओ। सो तभी हमारा हीरो जिंग बाहर आता है और अपने दोस्त से बोलता है, तुम फिर से यहाँ पे आ गए, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं, तुम्हें सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम जाओगे वो पवित्र फूल को, फूल नहीं फल को तोड़ोगे और उन लोग ला के दोगे ताकि हमारा रिचुअल्स जो है वो पूरा हो सके। मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो हमारा हीरो है उसे एक पवित्र फल जो है वो एक पेड़ से तोड़ कर लाना है। वो सभी 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 लोग नहीं तोड़ सकते सिवाय यंग लीडर के, ठीक है। तो अगर वो ऐसा तो जाता है, वो फल को तोड़ता है तो उसे ले जाके अगर देता है तो वो यंग लीडर बन जाएगा, या फिर ऐसा कुछ है स्टोरी है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर उसके सरदार की जो बेटी होती है उसके साथ उसकी शादी भी हो जाएगी। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना, अगर तुम्हें तोड़ना है तो तुम जाओ, तुम ही उसे तोड़ लो, तुम ही लीडर बन जाओ। मतलब वो अपने दोस्त को बोलता है और उसकी लड़की से तुम ही शादी कर लो, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। वैसे भी वो जंगल जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैं अपनी जान को इतना रिस्क में नहीं ले सकता। सो उसका दोस्त बोलता है कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको मैजिक सीखना चाहिए, लेकिन आपने मेडिसिन की पढ़ाई कर ली है और अब आप ये सब कह रहे हैं कि आपको यंग लीडर नहीं बनना है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद वो उसे ज़बरदस्ती उसे लेके वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो उसका मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी उसके दोस्त के कहने के कारण वो उसे बोलता है, चलिए आपको वहाँ से चलना होगा। और इस तरफ हमारी फीमेल लीड हाथ में कैमरा लिए हुए जंगल में भटक रही होती है कि उसे कुछ मतलब अजीब सा देखने को अगर मिल जाता है तो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेगी। वैसे वहाँ तो सब की चीज़ें अजीब थी, वो किस किस चीज़ की पिक्चर्स लें। सो हमारी फीमेल लीड को थोड़ा सा कुछ एहसास होता है कि कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है लोगों की बात करने की, तभी वो पत्थर के पीछे से झाँक कर देखती है। सो कुछ लोग वहाँ पर खड़े होते हैं जहाँ पर बात कर रहे होते हैं उस होली फ्रूट की, मतलब वो पवित्र फल की। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस अब जिंग को जाना है, वो फल लेकर आना है, उसके बाद हम उससे मेडिसिन बनाएंगे और अपने सारे राज्य में बंटवा देंगे ताकि सभी हमारे लोग जो हैं वो काफ़ी हेल्दी रह सकें और लंबी उम्र जी सकें। तो यही सब चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं। सो यून देखती है कि वहाँ पर कुछ मैजिक चल रहा होता है, जिसमें से एक ब्लू जैकेट में जो लड़की होती है वही सब चीज़ कर रही होती है। और वो बोलती है कि महाराज सब कुछ मतलब सारा विधान विधि जो है वो संपन्न हो चुका है, बस अब हमें उस फ्रूट की ज़रूरत है। तो वो लोग खोजने लगते हैं कि आखिर मतलब हमारा हीरो है कहाँ। सो यून मौका देखकर ही फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कौन है वहाँ पर, जाओ जल्दी जाके देखो, क्योंकि वो लगातार क्लिक्स पे क्लिक्स किए जा रही थी, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें देखने को कहाँ मिलेगी। तो उसके बाद वो उल्टे पैर भागना स्टार्ट कर देती है। सो भागते भागते वो एक जगह पर छुप जाती है जहाँ पर वो सारे सैनिकों को चकमा दे देती है। सो उसे लगता है कि अब सारी मुसीबतें दूर हो गई हैं। उसके बाद वो अपने कैमरा रील को देखना स्टार्ट करती है, तभी एक बहुत ही बड़ा पक्षी आता है और उसे पीछे से उठा के लेकर चला जाता है। किस तरह का पक्षी था, लेकिन उसके पंजे बहुत बड़े थे और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सो उसके पास चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। और दूसरी तरफ जिंग और उसका दोस्त जो होते हैं उस पवित्र पेड़ के पास पहुंच रहे होते हैं। तो उस जिंग बोलता है कि यार मुझे नहीं जाना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार प्लीज़ हमारे लोगों के लिए कम से कम तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें हीरो बनना है, समझे कि नहीं। तो बोलता है मुझे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोगों के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो फिर भी वो ज़बरदस्ती उस वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वहाँ से उससे आगे उसका दोस्त वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा वहाँ पर था। और लिटरली उस पेड़ के पास पहुँचना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। सो वो जैसे ही इंटर करता है उसके एरिया में उस होली फ्रूट के फल के
पास में, तो भाई वहाँ पे उसके ऊपर हमला होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ के पत्तियाँ, वहाँ के फूल, वहाँ के फल जो भी थे, सब के सब मिल के जिंक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि पेड़ की लताएँ जो होती हैं वो भी उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़ने में मुझे लगता है काफ़ी स्मार्ट था, तो अपने मूव्स के कारण वो बच जाता है। और बचते बचते फाइनली वो उस पेड़ होली फ्रूट जो होता है उसके पास पहुँच जाता है, मतलब उस पेड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो फल जो है वहाँ दिख रहा है। और यहाँ हमारे यून अभी भी हवा में तैर रही थी, जो कि वो पंछी उसे बहुत ही मजबूती से पकड़ के उसे ले जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अब यून बोलती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद वो उसके पंजे को ढकेलना स्टार्ट करती है, बोलती है क्या हो तुम एक मुर्गे हो, पक्षी हो, चील हो, बाज हो, क्या हो, पहले खुद को देखो, बस जरूरत कहीं कि मुझे छोड़ो। उसके बाद वो बहुत ही मतलब उसे मारना स्टार्ट करती है उसके पंजे को, और बहुत ही तेज़ी के साथ उसे हिलाना स्टार्ट करती है कि भाई मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। और फाइनली इधर जिंक को वो फ्लाम जो फ्रूट जो होता है वो मिल जाता है, लेकिन वो बाजू में देखता है कि जो होली ट्री है, मतलब पवित्र पेड़ है, इसकी पत्तियां जो हैं सूख रही हैं। तो वो बोलता है कि हज़ारों सालों से तो इसकी पत्तियां कभी भी मतलब सूखी नहीं पड़ी है, आज क्या हो गया। लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, वो अपने फल को लेने जाता है। ऊपर से हमारी फीमेल जो होती है वो उसके पंजे से छूटकर नीचे गिरती है। सो जिंक उस फ्रूट को हाथ में लेकर देख ही रहा होता है, तभी हमारी फीमेल लीड ऊपर से करते हुए गिर रही होती है, और पहले जिंक के ही ऊपर गिरती है। मतलब ऐसा लगता है कि जिंक से टकराने की वजह से उसकी थोड़ी सी स्पीड धीमी हो जाती है, लेकिन दोनों के दोनों नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पर जिंक बहुत ज़्यादा मतलब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और वो भी गिरी होती है। उसके बाद वो उठती है, इतने ऊंचे मतलब भाई इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। उसके बाद वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करती है कि भाई फाइनली मैं बच गई। लेकिन यहाँ पर जिंक बेचारा, उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई होती है, वो अभी दर्द से ऐसे कर रहा होता है। तो यून यहाँ उठने की कोशिश करती है, तभी वो देखती है कि सामने एक चमचमाता हुआ फल है, क्या है ये। तो वो उसे अपने हाथों में लेके देखती है कि क्या हो रहा है, और उधर जिंग होता है कि हे ये मेरा होली फ्रूट लेके क्या कर रही है। तो वो उसे बस देख ही रहा होता है, तभी वो जैसे ही उसे अपने मुंह के पास लेकर आती है तो उस तुरंत वो उसके मुंह में अपने आप ही चला जाता है। उसके बाद वो सो यहाँ पर यून ने उस फल को खा लिया होता है, जिसके लिए जिंग ने इतने पापड़ बेले थे। उसके बाद वो उसके बीज को निकाल के हाथ में रखती है, और यहाँ पर जिंग बोलता है ओ नहीं, ये क्या कर दिया तुमने, कौन हो तुम, आखिर तुम हो कौन, तुम्हें पता भी है मैंने इस फल के लिए अभी कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। सॉरी मुझे पता नहीं है ये कैसे हुआ, मैं बस उसे अपने पास रख के, लेकिन वो अपने आप मेरे मुँह में चला गया। तुम झूठी कहीं की, तुम जानती हो तुम नंबर के चोर हो। क्या मैं एक चोर हूँ, ये फल जिसके ग्राउंड पे गिरा होता है, जो उसे उठाता है वो उसी का होता है, समझे, तुम मुझे चोर बोल रहे हो। अगर कोई यहाँ पर आ गया और तुम्हें देख लिया ना कि तुमने ये फ्रूट खाया हुआ है तो तुम जान से गई, समझे ना। अरे ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं इसकी पेमेंट कर दूँगी, ठीक है। क्या पेमेंट, क्योंकि भाई उनको पता नहीं था कि वो पवित्र फल था जो अब दोबारा मिल नहीं सकता है, तो वो इस बात को देखकर शौक हो जाता है ये कैसे पेमेंट की बात कर सकती है। उसके बाद वो कुछ हाथ अपने निकालने लगती है जो कि गोल्ड के पीसेस होते हैं, तो उसे तुम ये ले सकते हो, ये सोने के हैं, तुम इसे ले सकते हो। सो ये सब हो ही रहा होता है, तभी वहाँ उसके सिपाही और जिंक का दोस्त भी आ जाता है, और जिंक यहाँ बताता है कि इस लड़की ने उस फल को खा लिया है। सो उसके बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है, वो कितना महंगा फूल था, मतलब फल था, मैं काम करती हूँ तुम सबको एक एक गोल्ड दे देती हूँ। सो उसके बाद वो तो भाई उसे सीधे बोलता है कि इसे मारो, इसे मार देना चाहिए, और इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि इसने हमारे पवित्र फल को खा लिया है। क्या मुझे मारोगे तुम लोग। सो वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करती है, तो जैसे ही जंप करती है वो इतनी लंबी जंप कर लेती है, मतलब कोई आम आदमी ये कर नहीं सकता। तो वो भी ये भी देख के शौक हो जाती है, थी मैं ये क्या हो गया, मतलब ये क्या इफेक्ट हो गया भाई, मैं इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ गई। सो उसके बाद उसे ये सब कुछ बोलता है, चलो ये सब बाढ़ में जाए, पहले मैं यहाँ से भागती हूँ। सो उसके बाद बोलती है अच्छा आओ पकड़ो मुझे, और उसके बाद वो वहाँ से दंदना के भाग जाती है, और सभी लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। और जिंक बेचारा उस फ्रूट के जो बीज होते हैं उसे अपने हाथों में ले लेता है, साथ ही साथ उसकी जो फीमेल लीड के हमारे बैग गिरा हुआ था उसे भी वो कलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद वो जहाँ सभा के पास जाके बोलता है कि जो होली फ्रूट था उससे कोई लड़की है वो गलती से उसने खा लिया है। सो उसके बाद वो लोग ये कैसे हो गया, जाओ उसे पकड़ो, कहाँ पर है वो। सो यहाँ पर भाई यहाँ पर जो लोग जो प्लान किए होते हैं इनका सारा प्लान ख़त्म हो गया होता है, लेकिन अब हमारी यून जो है वो मुसीबत में पड़ चुकी थी।
तो जिनके पास अब कुछ काम नहीं होता है तो वो यून की बुक्स पढ़ रही होती है और जो बीज होता है उसे एक लॉकेट बना के अपने पास रख लेता है। और दूसरी तरफ यून बिंदास भाग रही होती है क्योंकि उसके पास भाई ऐसा लग रहा था सुपर नेचुरल पावर आ चुके हैं। तो लोग बोलते हैं भागना बंद करो, लोग बोलती है मैं तो भागूंगी। और दूसरी तरफ यून की फैमिली जो होती है सभी, वो लड़का जो होता है सब यून को ढूंढ रहे होते हैं। वो खाई इतनी गहरी होती है कि रस्सियाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बोल रहे थे कि इस खाई का कोई अंत नहीं है, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो लेकिन वो उसके पिता बोलते हैं यून के कि तुम ढूंढ लोगे ना मेरी बेटी को, तुमने वादा किया है। तो वो लड़का बोलता है हाँ हाँ मैं पक्का उसे ढूंढ लूँगा, क्योंकि भाई वो उसे चाहता था, वो भी नहीं चाहता था कि भाई यून को कुछ हो जाए। सो यून अभी भी भाग रही होती है और भागते भागते घर के पास पहुंचती है तो सोचती है कि अब मैं थोड़ी सी आराम कर लूँ क्योंकि गार्ड वहीं पर होते हैं। सो उसके बाद वो और घर और किसी का नहीं होता है, हमारे जिंग का ही होता है। सो यून जैसे ही उसके कमरे में जाती है, सारे खिलौने जो टॉयज होते हैं और जो पेड़ पौधे जो भी मतलब मैं बोल रहा था वो सब आके उसे पूछ रहे हैं कौन हो तुम, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। और मुझे मतलब यहाँ पर वो थोड़ा सा सीन क्रिएट हो जाता है कि वो लोग कोई अनजान व्यक्ति को अंदर आते हुए देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे जिंग के कमरे में आखिर ये है कौन। लेकिन उसके बाद जब जिंग अपने रूम में आता है तो उसे कुछ लगता है कि कुछ अनजानी चीज़ है, मतलब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो छुपा हुआ है क्योंकि उसके बुक्स जो होते हैं वो सब पलटे हुए होते हैं। सो उसके बाद वो देख लेता है कि भाई यून वहाँ पर छुपी हुई है। तो वो मैजिक से क्या करता है, एक कीड़े को मतलब बनाता है और यून के ऊपर फेंक देता है, तो यून मतलब डालता है, तो यून वहाँ उसे जब देखती है तो भाग के बाहर खड़ी होती है, ये क्या कर दिया तुमने। सो उसके बाद बोलता है अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मतलब तुमने एक तो मेरे होली फ्रूट को भी खा लिया और तुम इतने निडर हो कि तुम मेरे कमरे तक आ गई हो। सो उसके बाद बोलती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ठीक है ना, तुमने जैसे मेरा तुमने भी तो मेरा जैसे बुक्स है तुमने लेकर आ गया चोरी छुपे से। तो बोलता है कि यार मैंने इसे पाया है लेकिन तुमने उसे खाया है। सो समझ रहे हो ना, अगर मेरे लोगों को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो तुम तो गई, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस फ्रूट को खाकर। वो फ्रूट जो है वो लगभग 100 सालों में एक ही बार तैयार होता है। सो यून बोलती है अगर तुम लोग मुझे पकड़ पाओगे तभी तो मुझे मारोगे। तो वो बोलती है कि वो बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे से उतरने की। वो उसके बाद वहाँ जैसे भागने लगती है तो वो बोलता है कि अगर तुम बाहर गई ना तो भाई ऐसे ऐसे पेड़ है ना जो तुम्हारी हड्डियों को कच्चा चबा जाएंगे, तुम्हें तो इस बारे में पता ही है। तो उसके बाद वो सब मतलब थोड़ा डर जाती है, क्या हुआ अब तुम बाहर नहीं जाओगी। अरे नहीं मैं तुम इतने प्यार से मुझे रुकने के लिए कह रहे हो तो मैं चली गई हूँ, तो वो एक बेड में नर्स हो जाएगा ना, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद वो जंप करके सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में जो चोट लगा होता है तो वो दिखाती है, तो वो बोलता है कि अपनी आँखें बंद करो। हैं मैंने बोला आँखें बंद करो और देखना नहीं। नहीं उसके बाद अपना हीरो जो होता है वो मैजिक से उसके हाथों को ठीक कर देता है, तो वो एकदम से शौक हो जाती है, अरे ये तुमने कैसे किया। बल ऐसे ही उसके बाद बोलता है अच्छा ऐसा है तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे बेड पर सोने के लिए, क्योंकि जो पहले पहुँचेगा वो बेड उसी का होगा। तो दौड़ के चली जाती है और अपना हीरो बोलता है कि अरे ये लड़की क्या चीज़ है, मतलब ऐसे किसी चीज़ का डर भय नहीं है, ये मेरे साथ इतना फ्रेंक कैसे रह सकती है। सो यून जो है भाई साहब वो जिनके बेड पे सोई हुई होती है और जिंग भाई साहब अपने ही रूम में नीचे की ओर सो रहा होता है। तो सुबह जैसे होती है तो उसकी जो चिड़िया होती है जो भी है वो उसे परेशान करने लगती है, तो उसके बाद वो सीधे जाके अपने जिंग के ऊपर गिर जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताओ, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। यार इतने अच्छे अच्छे ड्रामा में लेकर आता हूँ बट आप लोग पता नहीं क्यों देखते नहीं हो। अब कमेंट में बताओ अगर ये इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं, या तो फिर हम कुछ नेक्स्ट ड्रामा स्विच करते हैं। जब तक आपको ड्रामा पसंद नहीं आता है तब तक हम एक नया ड्रामा आपके लिए लाते रहेंगे। सो जल्दी से कमेंट बताओ यह ड्रामा आपको पसंद आया है कि नहीं।